और बड़ी खबर मिल रही है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी मीटिंग होने जा रही है। एनडीए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और नीतीश कुमार भी पीएम आवास पहुंचे। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की न्यूज 18 आपको दे रहा है। पल पल तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया है। उसके बाद भी हलचल तेज होती हुई, मीटिंग्स का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और अमित शाह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं एनडीए की मीटिंग के लिए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी रवाना हो गए हैं। ये ताजा अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है। तो एनडीए के टोटल नंबर 292 हैं, इंडिया के 234 हैं, अदर्स के खाते में 17 आए हैं। हर एक का आंकड़ा भी हम आपको बता रखे हैं, लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति से वो मिलने पहुंचे, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात की। पवन गौड़ा हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं हर अपडेट के साथ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एनडीए के घटक दलों की मीटिंग दिल्ली में होनी है। कौन कौन पहुंच चुका है पवन, क्या अपडेट आपके पास मीटिंग को लेकर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से कल परिणाम आए उसके बाद में ये पहली बैठक है जो एनडीए घटक दलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। इस बैठक में अगर अब तक की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण और उस समय तमाम जो एनडीए के जो सहयोगी दल है वो यहां पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे की जरा तस्वीर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास जो है वो प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर है। तमाम जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं उन सब एनडीए के सहयोगी दलों की गाड़ियों का काफिला है जो अंदर पहुंच चुके हैं। चाहे गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या अन्य जो सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनकी बात करें, वो अंदर पहुंच चुके हैं। अब सबसे थोड़ी देर के अंदर जो बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। इस बैठक में एकमात्र एजेंडा यह है कि जिस तरह से एनडीए को एक साथ दिखाना है कि एनडीए एकजुट है। कल जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए उसके बाद में आपने देखा कि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे गृहमंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उन्होंने सभी जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनसे फोन पर बात करना शुरू किया था और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश की थी कि एनडीए एकजुट है, एक साथ है। उसके बाद में आज एनडीए सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई और संभवतः आज ही जो एनडीए सहयोगी दलों के जो इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री को एनडीए दलों के द्वारा अपना नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद में हो सकता है आज ही जो एनडीए दलों के नेता जो हैं वो शाम को राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां जाकर अपना एक समर्थन पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपे। उसके बाद में 17 तारीख को जो है वो एनडीए के सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई गई है, उसमें प्रधानमंत्री को सर्वमान्य एक नेता और एक परिचयात्मक एक बैठक के रूप में रखा गया है। उसके बाद में 8 जून है, उस 8 जून को हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपना उनका शपथ ग्रहण समारोह हो और तीसरी बार अपने फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लें। तो अब से थोड़ी देर के अंदर जो है वो एनडीए की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। तमाम नेताओं का प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन इस सबके बीच हमने प्राइवेट जेट में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई। वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा दिलचस्प थी, दोनों साथ में थे लेकिन अलग अलग सरकार बनाने के दावे पेश कर सकते थे। उस तस्वीर को बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर भी अब सभी की निगाहें टिकी हुई है, हलचल बहुत तेज है, सोशल मीडिया पर भी वो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से एनडीए को तकरीबन 292 सीटों पर जीत जरूर मिली है, यानी कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है उनका एक परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि कभी भी वो कभी एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो कभी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, तो उनको लेकर लगातार संशय बरकरार था। लेकिन हालांकि उन्होंने खुद ने, नीतीश कुमार ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं, उनके अलावा उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं और बहुत विश्वसनीय साथी हैं संजय झा, जिनका बहुत बड़ा योगदान था नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में शामिल कराने को लेकर, ऐसा उनका बयान आया। उन्होंने अपने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया कि नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। यानी कि फिलहाल यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह एनडीए के साथ हैं, पूरा एनडीए एकजुट है और फिलहाल जो है प्रधानमंत्री 8 जून को शपथ लेने के लिए फिर से तैयार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नीतीश कुमार की बाइट भी आई है, वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया है।
तो अलग अलग रिएक्शन भी जरूर सामने आएंगे, लेकिन थोड़ी देर में पीएम आवास पर ये मीटिंग हो जाएगी। पवन गौड़ लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कौन कौन पहुंच चुका है वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये है पवन कि जो कल नतीजे सामने आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया कि बेहतरीन तरीके से एनडीए ने जीत हासिल की है और जो विकास के कार्य हुए हैं, जो जनता के सरोकार के कार्य हुए हैं, इसकी वजह से जनता ने हम पर भरोसा जताया है। जो बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि जीते तो हम हैं लेकिन विपक्ष बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर पहले सुबह 11:30 बजे जो है वो केंद्रीय कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। उस आखिरी बैठक में जो कैबिनेट को भंग करने की अनुशंसा की गई, तो उसमें अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको जनता ने फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है, जनता ने हम पर भरोसा जताया है। हालांकि सीट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, ये राजनीति है, राजनीति में हमेशा ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने अब तक लगातार 10 सालों में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम अपना जो काम है उसको लगातार जारी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कल जो नतीजे आए उसके बाद में जो उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक नतीजे सरकार बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, उसके बाद में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो कहीं ना कहीं निराशा से भर रहे थे। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाने में सक्षम न हो पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1962 के बाद में लगातार 3 बार सरकार बनाने बार पहली बार जो है कोई पार्टी सरकार तीसरी बार बनाने जा रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इन सब बातों के माध्यम से एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि भले ही बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले अपने दम पर न बना पाई हो, लेकिन एनडीए के सहयोगियों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने को तैयार है। बिल्कुल, और जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी की तरफ से भी कहा गया है कि 7 तारीख को एक अहम मीटिंग होने वाली है एनडीए के साथ, सभी सांसद भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो जरा ये बताइए कि एनडीए के सभी सांसदों की एकजुटता के लिए क्या जो बताया जा रहा है साइन करवा लिया गया है, यानी कि विपक्ष के खिलाफ अभी एनडीए काफी मजबूती के साथ खड़ा है? देखिए, जाहिर तौर पर हालांकि जो विपक्षी गठबंधन है उसके द्वारा कई सारी खबरें जो बाहर निकल के आईं कि शरद पवार के थ्रू नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात करने के लिए संपर्क साधा जा रहा है, या कई सारे और समीकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार में आ सकता है। हालांकि तमाम जो कयास हैं उन पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है सभी के द्वारा, तमाम जो एनडीए के सहयोगी और सभी के द्वारा बयान सामने आ गया है, उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अपना समर्थन जो है एनडीए एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई तकरार नहीं है। आज एनडीए के घटक दलों के तमाम बड़े नेताओं की आज बैठक है, उस बैठक के बाद में हो सकता है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएं और वहां जाकर अपना जो है समर्थन पत्र सौंपे। उसके बाद में 7 जून को जो है एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। सांसदों की बैठक जो है वो इसी लिहाज से रखी गई है, कहीं ना कहीं सबको एकजुट दिखाने की कोशिश है कि जो विपक्षी गठबंधन है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है उसमें ये दिखाने की हो सकता है नीतीश कुमार।